दीवान में तो कोई नहीं है, पूरा खाली खाली सा है, पूरा अपना है बिरयानी। ये पांचों को ख़त्म करना है, चैलेंज है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब जनता निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल विनर आठियाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दे हूँ, ताकि आप मन हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेलकम टू माई चैनल। तो चलो आज हम चल रहे हैं रायगढ़, और फिलहाल क्यों जा रहे हैं बोलने से, आज एक बाइक उठाना है। फिलहाल आज है धनतेरस, तो सभी को सबसे पहले हैप्पी धनतेरस। और यहाँ हमारे प्रयाग भाई, जिसके लिए हम लोग को लेने जाना है आज एक बाइक। तो चलो कौन सी बाइक हो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल लेट्स गो। फिलहाल अभी तो हम घर से निकल रहे हैं, तो अभी बज रहा है 10:30, लगभग 2 घंटा तो लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। उसके बाद में दिखाते हैं कि कौन सा शोरूम है और कौन सा बाइक है। ये तो हमारा घर घोड़ा है, जो फिलहाल आज भरा भरा सा लग रहा है, क्योंकि ना हर जगह शॉपिंग किया जा रहा है। तो देखो यहाँ भी शॉपिंग चल रहा है। फिलहाल ये घर घोड़ा सिटी जो कि काफ़ी भरा भरा सा, आज बहुत सारा दुकान भी लगा हुआ है, और हर दुकान के बाहर को सजाया भी गया है, क्योंकि धनतेरस का टाइम है तो थोड़ा सा शोभा। और देखो ये सब पटाखा की दुकान है, मिठाई का दुकान में भीड़ है, और आसपास में कुछ कुछ नए नए दुकान भी खुल गए हैं। ये तो तमनार पहुंच गए हैं हम, यहाँ भी लगभग भीड़ लग रहा है, क्योंकि आज सभी के सभी शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ बगल में पटाखे की दुकान भी है, जो कि वापसी में हम लेंगे। ये देखो यहाँ पे मस्त लगा हुआ है पटाखे दुकान। चलो हम अभी फ़िलहाल रायगढ़ पहुँच चुके हैं, तो रायगढ़ तो वैसे भी भरा भरा सा लगता ही है पहले से ही, लेकिन आज ज़्यादा भीड़ आप लोग को देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये बोयर दादर है जिधर से हम आ रहे हैं पालीघाट से होते हुए, और ये चक्रधर नगर। बाकी दुकान देखो कितने सारे दुकान एक्स्ट्रा खुल गए हैं सिर्फ धनतेरस और दिवाली के लिए। राइट साइड में भी देखो सिर्फ खाने पीने का होता था, लेकिन सारा शॉपिंग का है। लेफ्ट में दिया वगैरह बिक रहा है, मतलब यहाँ पे जितना भी है ना चक्रधर नगर में गार्डन के बाहर में, सारा का सारा मतलब पूरा शॉपिंग मॉल जैसा है, जहाँ पे आप बहुत सारे शॉपिंग कर सकते हो, लोकल शॉपिंग कर सकते हो, और सब ड्रेस फूल दिया बहुत कुछ है बहुत सारे। और ये फिलहाल चंद्रपुर वाला रोड है, मतलब कि ये कबीर चौक वाला रोड जिसमें हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को मिलेगा हमारा शोरूम। तो फिलहाल राइट में है हमारा आरके मॉल, बाकी सीधा जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे चंद्रपुर, लेकिन उससे पहले हम लोग को यहाँ पे शोरूम मिलेगा जो राइट साइड में दिख रहा है ना, ये हमारा शोरूम। चलो बाकी हम लोग आगे से मुड़ के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुड़ने का नहीं दिया हुआ, ये रहा शोरूम, तो यहाँ से मुड़ते हैं। ये देखो हम आ गए फिलहाल हमारा रॉयल इनफील्ड का शोरूम। तो चलो अब दिखाते हैं कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं। शोरूम पहुँच चुके हैं, और एक हमारे साथ जीजा भी पहली बार आ रहे हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, चलो देखते हैं कैसा है। चलो ये रहा रॉयल इनफील्ड। चलो बहुत सारे बाइक हैं, बस आज तो ऐसे भी भीड़ होगा क्योंकि धनतेरस है। ये कौन सा प्राइवेट वाला 350 क्लासिक। फिलहाल हम लोग शोरूम के अंदर है, ऊपर में ज़्यादा बाइक नहीं है, बट यहाँ पे डील होता है। बाइक हो गया रेडी, गाड़ी फिलहाल रेडी हो चुका है। ये रहा मिला ही वाला। चलो इसको राइड करके देखते हैं। फिलहाल हमारा नया
गाड़ी। तो अभी फिलहाल बिरयानी खाने के लिए मेज़बान होटल और एक स्पेशल लाइक मेज़बान में तो कोई नहीं है, पूरा खाली खाली सा है, पूरा अपना है बिरयानी। उसके बाद हम आ गए शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे देखे बहुत भीड़ था, मतलब ऊपर में कपड़े लेने में दिक्कत नहीं हुआ, हम तो खरीद लिए, लेकिन यहाँ पे जब नीचे आए ना तो इतना सारा भीड़, लाइन लगा के पेमेंट करना पड़ता है, देखो इतना ज़्यादा, और ले ही रहे हैं। तो बालीघाट वाले रास्ते में हम लोग सफ़र कर रहे हैं फिलहाल बाइक में, तो मज़ा आ रहा है। फिलहाल जैकेट है इसलिए अच्छा लग रहा है, नहीं तो ठंडी की वजह से पता नहीं क्या होता हमारा। तमनार पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पे तमनार में एक बाज़ार लगा है जो कि फटाकों का, यहाँ पे। तो फिलहाल हम यहाँ पे शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा फटाका वटाका शॉपिंग कर लीजिए। हमने देखो इस रोड में भी गंदा गंदा हो गया, पूरा ब्लैक से वाइट होने वाला है, जबकि अगर मेन रोड में आते तो पता नहीं और क्या हालत ख़राब होता। फिलहाल यहाँ पे अभी है तमनार का मार्केट। घर पहुँच के देखो कितना प्यारा लग रहा है, मस्त प्यारा सा लेके आ गए हैं। तो फिलहाल आ चुके हैं हमारा बाइक, तो फिलहाल यहाँ हमारा ब्लॉग यहीं तक रहेगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और कॉमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत कम कॉमेंट आ रहा है, तो प्लीज़ कॉमेंट भी करना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। संगवारी हो, अगर वीडियो पसंद आई सोही था लाइक कर दो और चैनल ला सब्सक्राइब करेला बिल्कुल मत भुलाओ। आप मन के एक सब्सक्राइब करे से हमार मन के उम्मीद बढ़ते। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।